মন বেশ আমাদের কইছে খালি চাবি ভুলিয়া চাবি লিখে যেতে গাড়ি কি চাই পকলি মোসাজি কে আর কোন গাড়ি তুমি এইও রাস্তা আমি বাইক ঘুম রে বহুত দিন সে রকম মতলব লাইট আছে রাখি হ্যাঁ একদিন নিকালে তে হেলমেট ট্রেনিং এ করে দিল তো আর আজ কালি আজ মোসাজি তো সাইকেল নিয়ে যাঙ্গে না তো চলতে ঘুরতে পাইলে तो झक्के रखा हूँ मैं प्रॉपरली यहाँ पे तो गाड़ी वाड़ी है फोर व्हीलर इनकी तो अपन उधर पीछे साइड रखी है क्योंकि अपनी गाड़ी डेली निकलती नहीं इसीलिए मुझे पीछे अच्छा लगता है। देखो ऐसे देखो 2 लाख की गाड़ी और 200 का भी कपड़ा नहीं लाया इसके लिए तो पहले कपड़ा भी लाएंगे मतलब आज जाएंगे ना तो सब इसका पूरा सामान ही लाएंगे और हेलमेट भी लाना है। हेलमेट तो उस दिन मिला ही नहीं बहुत घूमे लेकिन गियर में हो गई। हाँ अब हमारी खुशी हेलमेट वाले ब्लॉग में बताया मैंने कैसे गया इसका नाम रखा हो किसके कारण पता चल मतलब रखा हो इसको को स्टार्ट करते पहले ऑन है स्टैंड पे हटती नहीं आगे बस स्टार्ट हो जाती हो गई स्टार्ट पहले कुछ आवाज़ जैसे बड़ा आता है फिर ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है वो तो सब गाड़ी के इंजन में होता है इसमें ये बात है कि इसका एग्जॉस्ट बहुत नीचे है तो अपन बारिश वारिश में पानी में जा रहे हैं तो दिक्कत दे सकता है लेकिन नहीं देगा उसका जुगाड़ हम कर लेंगे पानी में जाने से पहले जैसे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं कुछ तो वैसे तो है गाड़ी ऑलराउंडर भाई हर जगह पे अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है चला के वैसे देखे नहीं अपन ने सिटी और पानी में देखे मतलब बारिश में चलो वहाँ पार्क करते दोनों टायर ऊपर ही आ गए वो आगे चला गया ना फिर गया तो पीछे करते थे निकालना पड़ेगा पहले ओके यहाँ पे थोड़ा सा टायर स्लिप हो गया देखो इस जगह आगे चलाते हैं टायर बहुत जल्दी चले जाएगी ऐसे भी तो सॉरी बाबू अब अच्छे से चलाते जाएंगे आगे के टायर से स्टार्ट करते हैं अब इसी हार भी निकालते हैं क्योंकि हो गए ना 2-3 दिन अब निकाल ही देते हैं सूख भी गई है तो सूखी हार भी लगाने में अच्छा नहीं अरे कुछ ऐसा हो गया हार के कारण हार उसके लग गए जल्दी निकालते जाओ अरे जब भी कुछ लोगे ना तो जल्दी हार वार निकाल दिए ना वरना ऐसा कुछ भी जाता है उसको निकालने में एफर्ट करना पड़ेगा हो गई गाड़ी दोनों धुल के कभी गाड़ियों को धुलने के बाद ऐसे रखना नहीं रॉ मतलब थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं रेस करके रखना मज़ा आती बोल रहा हूँ गाड़ी का जो अंदर पार्ट में पानी चला जाता है ना वो निकल जाता है तो वो निकाल लेते हैं मतलब अपने को थोड़ा अच्छा लगेगा एक जस्ट सुन लेंगे इसका चलती तो नहीं ऐसे ही पेट्रोल इसको उड़ा लेंगे पेट्रोल भाई फूल है देखो अभी फूल ही मतलब थोड़ा सा ही कम हुआ है 1-2 लंबी कभी भी इंजन की बटन से ही बंद करना मैं अपनी गाड़ी का तो नॉलेज ले लेकर बता रहा हूँ लेकिन सब गाड़ियों का भी जिसमें किल स्विच है उसका बाकी गाड़ियों का फिर भी स्विच से बंद करना किल स्विच या स्विच से गियर में नहीं गियर में बंद करने से क्लच प्लेट भी घिसती है और दूसरे बहुत प्रॉब्लम आती है इंजन में आ गया मज़ा गाड़ी को घुनाने में इसका हैंडल भी अपने को मॉडिफाई करना है ये वाला निकाल के दूसरा वाला इंस्टॉल करना है ऐसे थोड़ा ऊंचा रह गया ना वो वाला क्योंकि फिर यहाँ पे अपना कैमरा माउंट करने भी अच्छा रहेगा मतलब जो फ़ोन माउंट करेंगे और फिर दूसरे भी चीज़ के लिए लुक वाइज भी अच्छा रहेगा तो वो माउंट कर लेंगे तो थोड़ा और धुल लेते एक बार सूख गई बहुत जल्दी हो गई अपनी रानियाँ वॉश करके अब चलते पाइप लेके जाएंगे कहाँ गई है लड़ अच्छा इधर है गाड़ी से जाएंगे ठीक हाँ। कौन सी गाड़ी से जाएंगे न्यू गाड़ी से जाएंगे ये अंदर यार निकल जाएंगे इसी यहाँ से ट्राई करते उधर नहीं पाएगी तो लेके जा ए लाडो बैग बैग भूल के जा रही क्या देख अच्छे से बाय
गाड़ी कहाँ लगा हुआ समझ नहीं आ रहा, इधर लगा हुआ उधर लगा हुआ। कर दिए पार्क नीचे, क्यों जाना है ना फिर शाम, बार बार उधर ले जाएंगे और ना ही क्या है। तो लाडो का समय हो गया, लाडो को लाते हैं फिर जाते हैं सब लोग घूमने या शॉपिंग करने जो भी बोलो। हमारे क्वीन को निकलने के लिए जगह बनाना पड़ेगा, दो गाड़ियाँ आ गई बीच में तो निकलता। लाडो के स्कूल राह देख रहे हैं सब माता पिता है, क्यों नहीं कि पहले आ गए, हम भी आ गए। लाडो लाडो के जैसे बहुत बच्चियाँ कलरफुल। टेंडल 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 लाडो टेंडल बोल रही है। टेंडल है क्या सैंडल है बता? टेंडल है। होगी रेडी? रेडी होगी ठीक है। लगभग सब लोग हो गए लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई, बस मैं नहीं हुआ फ्रेश फिर बारिश को देखने के चक्कर में। बाहर आ रहा था बार बार, आ रही है नहीं आ रही, अभी स्टार्ट हो गई। देखो रोड गीला हो रहा है, रोड पे दिखेगा। चलो चले नॉर्मल चप्पल लगा हुआ बारिश के लिए, सैंडल लेदर सैंडल नॉर्मल चप्पल ये सब लोग आ रहे ना लेट गए तो बहुत जल्दी चले जा। अभी 4-5 बज गए होंगे, कितने बजे बताता, 4 बज गए। बैठ रहे हैं, उनके बैठने के बाद ही अपन स्टार्ट करेंगे, अपन तो सिंगल जल्दी चल जाएंगे ना। हेलमेट सेटअप जल्दी रेडी करना पड़ेगा, हेलमेट तो आ गया बस माउंट वगैरह लाना है। कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा कैसा है हेलमेट। आ गए लोग भी, बस अपन 1 मिनट के पहले आए। ये तो घूमने आती है, इसको बस बैठ के घूमना रहता है। चालू होगी इनकी शॉपिंग, अब लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या खरीद रहे हैं, पहले मैं घूम लेता हूँ। एक ले लेते हैं रोल, थाम्बा मैं आ गया घूम के, इनका कुछ खरीद के नहीं हुआ है। वैसे बिस्किट और टोस्ट ये खरीद, चॉकलेट सेक्शन में आ गए। लाडो लोग को धक्का दे रही है, उसको चलना चाहिए घर में। फिर से आ गया मैं उनकी हेल्प करने, बहुत धीरे काम करते जल्दी लो ना। हाँ क्या चाहिए बोल, बाद में लेंगे ना तो जाते समय। मिल गया नहीं, इधर कहाँ जूस में मिलेंगे। हमको भी नहीं मिल रहे जे, वो टेस्ट करके देखते कैसे लगते हैं। मैडम आपको कुछ चाहिए और हाँ, क्या चाहिए? डेरी मिल्क वो ले रहे हैं ना, गए ना पापा लेने को, उसी को ले रहे हैं। डेरी मिल्क नहीं ले रहा, दूसरा ले रहे हैं, चलेगा ना? हाँ, चलेगा ओके। डेरी मिल्क ओके ना? हाँ, वो ऐसी बड़ी वाली चल। और कुछ करो बिलिंग, आई एम ऑल्सो सीट, वो भी बिलिंग है जा रहे, हम भी जा रहे चेकिंग। बिलिंग के लिए तो लाइन नहीं, लेकिन चेकिंग लगे।